दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक जैकार्ड के पैनल के बारे में आज मैं कुछ बता रहा हूं। जैसे कि पिछले वीडियो में मैं आप लोगों से जैकार्ड के बारे में बताया था, पूरे जैकार्ड का सिस्टम दिखाया था, तो उसी तरह मैं आज उसी जैकार्ड का पैनल के बारे में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ये पैनल है, इसको ध्यान से देखिए, पैनल है, ये चल रहा है, इसमें नंबर आया है, ये चालू है, ये डाटा केवल इसमें से गया है जो ऊपर डिस्ट्रीब्यूटर में जाकर लगता है। इसमें कंप्यूटर से डिजाइन रेडी करके इसमें डाला जाता है, तो ये डिजाइन ले करके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटर को देता है और डिस्ट्रीब्यूटर सभी लाइनों में बांटता है, तो डिजाइन बनता है। तो अब मैं आप बताने जा रहा हूँ इसमें मेमोरी किस तरह से डाला जाता है लोड करके, इसमें क्या है। तो देखिए, ये ढक्कन को मैं खोल दिया, पहले तो आप देख लीजिए, ये डिस्प्ले है, डिस्प्ले में आपको नंबर आया है। देखिए, जितना चलेगा, जितना पीक चलेगा लूम, उतना जगाट घूमेगा, उसका जितना उसका इसमें आपको नंबर आएगा। ये देखिए, नंबर आया है। उसके बाद आगे पीछे करने के लिए ये बटन है, आपको आगे नंबर लेके जाना है तो इस बटन को पुश करना है, एक बार करेंगे तो एक नंबर आगे जाएगा, जैसे जैसे देखिए। फिर ये पीछे करना है, आपको डाउन में लेना है नंबर जैसे, तो इस बटन को पुश करना है तो नीचे आता है। उसके बाद ये डिजाइन जब कंप्लीट कर देता है, अगर 2-4-10 पीक आगे पीछे चलता है, तो इसको जीरो करने के लिए ये सेंटर का बीच का बटन को पुश करके रखें, ऐसे दबा करके रखें, तो ये आपको देखिए जीरो हो गया, ये पूरा जीरो हो गया। फिर एक नंबर से स्टार्ट कर सकते हैं। ये आपका ब्रेक लगाने का बटन है, इसको लगाएंगे तो आपका ब्रेक लग जाएगा, या ऊपर देखने के लिए है, आपको चेक करने के लिए क्या इसमें फॉल्ट है, इसको दबा करके जाएंगे ऊपर तो आप चेक कर सकते हैं। ये ब्रेक का बटन है, ये इससे ब्रेक लगाया जाता है। तो अंदर चलते हैं, इसके अंदर में क्या है, ये देखिए, ये वायर आपका बटन का वायर है जो यहाँ आके सेफ्ट हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ है जक द्वारा, इसको मैं निकाल देता हूँ। ये देखिए, ये डिस्प्ले है, डिस्प्ले का आपका यहाँ पे लगा हुआ है, इसको मैं निकाल देता हूँ। देखिए, ये डिस्प्ले का है, फिर इसको मैं लगा देता हूँ, ये आपका डिस्प्ले का हो गया, ये बटन का हो गया। तो इसमें इसको सीपीयू बोलते हैं, ये सीपीयू है, यहीं से सब डाटा जाता है। ये देखिए, यहाँ पर मेमोरी लगा हुआ है, इसमें डिजाइन लोड है, यहाँ पर मेमोरी लगा हुआ है, और इसमें से ये डिजाइन ये सीपीयू लेकर ये डाटा केबल को देता है, ये डाटा केबल ऊपर देता है और ये पूरा कंप्लीट होता है। तो दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें दोस्तों, और ज़्यादातर अपने दोस्तों से शेयर करें, ताकि अगले वीडियो में जैकार्ड के कुछ पार्ट के बारे में बनाऊं, रिपेयर करने के बारे में बनाऊं, तो आप लोगों तक पहुँचे, आप सब समझ सकें। तो अभी मैं आप लोगों को इसके पैनल के बारे में दिखाया हूँ, अगला इसमें कोई रिपेयर आएगा तो उसको कैसे रेडी करना है अगले वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगा। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए ताकि आपको पता चलेगा। तो धन्यवाद दोस्तों।